लाए लगे हैं खशखश की चटनी, जो कि बहुत मजे की बनने वाली है। तो साथ रहिएगा, मिस नहीं कीजिएगा। ये वन जो पूरा बंच है हमने हरे धनिया के लिए, दो बंच हमने पुदीने के लिए, तीन जो है अदरक टमाटर थे उसको इसका कटिंग कर लिए, दो टेबल स्पून मैंने जीरा लिया है और वन टी स्पून मैंने नमक लिया काला नमक। तो अगर आपको ज़रूरत लगे, कम लगे, ज़्यादा लगे, अगर कम लगता है नमक तो आप और नमक डाल सकते हैं। तीन अदरक जो तीन बंच होते हैं वो पूरे मैंने ये इसके लिए लहसुन के, और ये हमारे पास हरी मिर्चें हैं ये मैंने थोड़ी ज़्यादा ली हैं, 15-20 दाने हैं। अगर आपको लगे कि कम है तो आप और डाल सकते हैं, अगर ज़्यादा लग रही हो तो आप कम कर सकते हैं। और हमारे पास ये है आधा कप या एक ये छोटी थी, यानी क्या कह सकते हैं उसको, 4 टेबल स्पून भर के हमने खसखस कर लिया। तो खसखस मैंने धो ली थी, धो के मैंने ड्राई करके भून के इसको इस तरह से रखी है। इसको मैं सबसे पहले पीस लूँगी, बारीक कर लूँगी। पहले खसखस मैंने डाली क्योंकि ये धो के मैंने बहुत अच्छे से ड्राई करके और इसको रख लिया था, तब इसे पीस लेते हैं। बहुत अच्छे से बारीक हो चुकी है, सही है। अब दूसरे सेकंड स्टेप करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपने रख देना है ऑयल गरम करने के लिए, उसमें रख देना है स्ट्रेनर। स्ट्रेनर में डालेंगे हम अपने सारा लहसुन, इसको हम फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा। होने लगते हैं और थोड़ी देर इसको हम करेंगे, 2 से 3 मिनट लगते हैं। अगर आपका ऑयल बहुत तेज़ है तो फिर आप इसको जल्दी कर लेंगे, बस कलर चेंज होने पे ये देखें कलर आप देख लो। इस तरह से आपने इसको निकाल देना है, इसमें हम इसे प्लेट पे निकाल लेंगे और वापस इस पर रखेंगे और इसमें डालेंगे जितनी भी हमारी हरी मिर्चें हैं। बस अगर ये हरी मिर्ची इस तरीके से फट रही है, अगर आपको परेशानी तो आप इसको ढक्कन दे दें, तो परेशानी की बात नहीं है। 2 मिनट के बाद फिर हम इसको चेक करेंगे, थोड़ी देर के बाद बस कलर चेंज होगा उतार लेंगे। देखिए चेंज हो गया, यही साइड बस फिर हमने इसको निकाल देना है और इसी में ही अब डाल देंगे टमाटर। फिर थोड़ी देर के लिए रखते हैं, रखते फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और अब इसको चेक करते हैं। ये भी हमारे हो गए, बहुत ज़्यादा तो हमने इसको नहीं करना चाहता है, बस थोड़ा थोड़ा सा। ये हमारी ज़बरदस्त चटनी तैयार होने वाली है। अब इसमें हमने वॉश जो कर लिए थे ये इनको अच्छे से इनको डालेंगे साथ में, और टमाटर, तमाम चीज़ें जो हमने ट्राई की थी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़ी यम्मी यम्मी से हमारी ये चटनी तैयार हो रही है। अगर आप इसमें कुछ चीज़ नहीं पकी हुई तो पराठे के साथ, रोटी के साथ, दाल वगैरह के साथ सकते हैं, बहुत मज़े की लगेगी। अब ये हरी मिर्ची जो हमने फ्राई की थी, लहसुन, इसका जो फ्लेवर है ना बहुत ज़बरदस्त हो जाता है अगर आप जब इसे इस तरीके से करके रखूँगा। मैंने क्वान्टिटी थोड़ी ज़्यादा रखी है क्योंकि मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं और मुझे खुद ये पर्सनली पसंद है। ये जो हमने खसखस जो पीस के रखी थी मेन, इसकी ही चटनी बन रही है। इसका फ्लेवर मौसम बहुत ज़बरदस्त होता है, खुशबू बहुत ज़बरदस्त। आप इसे पराठे के साथ, चटनी के तौर पर ऐसे खा सकते हैं। ये देखें टमाटर की बन रही है और इसमें डालेंगे थोड़ा सा हम पानी, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, इसको ग्राइंड कर लेंगे। ये हमारी चटनी हो गई है तैयार,
निकालते हैं कि हमारी जबरदस्त तैयार हो गई है। ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट्स में आकर जरूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। तो हमने तो भाई बना ली है और हमारे पास तो जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी क्योंकि खशखश की चटनी और इस तरह की बहुत मज़े की लगती है। डिफरेंट सॉसेस के तौर पे भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, बर्गर में या आपके चटनी रोल में, समोसे के साथ, डिफरेंट तरीके से। तो कैसी लगी आज की रेसिपी ज़रूर बताइएगा। अपना सबका ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।